قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه محترم علماء کرام دینی ملی بھائیوں قابل احترام بزرگوں مجھے نہیں معلوم کہ کیا خواتین کا بھی نظم ہے یا نہیں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی و کبریائی کے بعد اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود نازل ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جزائے خیر دے منتظمین اجلاس کو انہوں نے کلمہ گو بھائیوں کے لیے تھانے کے اس ایک نئے علاقے میں بہرحال میرے لیے یہ ایک نئی ہی جگہ ہے ان بھائیوں نے انتظام فرمایا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیر کا بہت بڑا پہلو رکھتا ہے کہ وہ اسلام جو ساری انسانیت کے لیے آیا تھا اس کا پیغام کسی مسجد کی چہار دیواری ہی میں بند ہو کر نہ رہ جائے کسی مدرسے یا اسکول کی باؤنڈری میں مقید ہو کر نہ رہ جائے بلکہ کھلے عام
तमाम इंसानों को पहुँचे। शायद इसी कस्दो इरादे से यहाँ ये बज़्म सजाई गई है। अल्लाह ताला जिस किस्म का भी ताउन जिसका है उन तमाम हजरात को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और तमाम हाजरीन जो आए हैं अल्लाह ताला हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमा कर हमारे लिए बाइस निजात बनाए। मौजू है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है जो कलिमा पढ़ता हो और उसे अपने नबी से मोहब्बत ना हो? है कोई? नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। यह और बात है गर्दिश ज़माना के जद में आकर इंसान भूल भुलैयों में भटक जाता है। तिजारत बिजनेस कारोबार सुबह शाम की दौड़ भाग इन चीज़ों में आकर नबी की मोहब्बत का जो तकाजा है इंसान उसे अदा नहीं कर पा रहा। इंशाअल्लाह इस मौजू के ज़रिया कुछ बातें या दहानी के तौर पर आएंगी। एक अकीदे की बात जान लीजिए कि हमें मुसलमान होने के नाते सबसे ज़्यादा मोहब्बत जिसे करनी है वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की मोहब्बत के बाद इस रूए ज़मीन पर अगर कोई हस्ती है जिसे सबसे ज़्यादा महबूब हमें बना लेना चाहिए तो वो कौन है? बोलो बोलो भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया अकीदा ये मिला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद उस क्रिएटर उस सस्टेनर उस राजिक और मालिक के बाद सबसे ज़्यादा हमारी मोहब्बत जिससे होनी चाहिए वो हमारे माँ बाप नहीं है, हमारी कंपनी का बॉस नहीं है, वो हमारी मस्जिद के इमाम नहीं है, वो हमारी उम्मत के उलमाए किराम नहीं है, वो बड़ा से बड़ा मोहसिन नहीं है। अगर कोई है जो अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा लोगों की मोहब्बतों का मुस्तहिक है तो वो ज़ात है नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अब्दुल्ला के लखते जिगर की, आमिना के लाल की, फातिमा के अब्बू जान की। लाखों दरूद नाजिल हो नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह अकीदा कहाँ से मिला हमें? कुरान से। आप पढ़ते हैं, आप कभी तर्जमा के साथ भी इसे पढ़िए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। कुरान अल्लाह की तरफ से वो पैगाम है जो हमारे पास आया है ताकि अल्लाह की बनाई हुई ये बॉडी, ये हाथ, ये पैर, ये सर, उसमें मौजूद दिमाग, ये पेट, ये आँखें, ये नाक, ये कान, ये तमाम मशीनरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फिट की है इसे कैसे चलाया जाए, इसका कैटलॉग क्या है, यही कुरान करीम। इसे पढ़ो ताकि समझो कहाँ ये हाथ किस अंदाज में चलाया जाना चाहिए, ये पैर किस अंदाज में चलाया जाना चाहिए, किस रास्ते पे इसे चलना चाहिए, इन आंखों से क्या देखा जाना चाहिए और किससे बचना चाहिए, इस जबान से क्या बोलना चाहिए और किससे बचना चाहिए, इस दिमाग से क्या सोचना चाहिए और किस किस्म की सोच से बचना चाहिए, ये तमाम कहां मिलेगा? बोलो, अल्लाह की पाक किताब कुरान मजीद में। इसके बावजूद लोग नहीं पढ़ते, बहुत ज़्यादा कभी पढ़ते तो बरकत के लिए घर में तिलावत कर लेते, लेकिन मेरे भाई ये पैगाम है अल्लाह का, इसे समझो। अरबी नहीं जानते, अरबी में इसे खुद नहीं समझ सकते, तर्जमा पढ़ लो। कौन सी ज़बान जानते हो? किस ज़बान में आपको कुरान का ट्रांसलेशन चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। और अल्लाह जज़ाए खैर दे उन हस्तियों को जिन्होंने तंजीमें खोल दी, आफिसें खोल दी, आओ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुरान। पढ़ना है ना, लेकर के जाओ। कुरान में हवाला मिलता है कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा महबूब हस्ती इस रुए जमीन पर इंसानों के नजदीक अगर कोई है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हमारी मोहब्बतें सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के बाद होनी चाहिए। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 पढ़िए। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ترجمة: اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر آپ کے باپ دادا, اگر آپ کے بیٹے پوتے, اگر آپ کے بھائی بند, اگر آپ کے شوہر, آپ کی بیویاں, اگر آپ کا قبیلہ اور خاندان, اگر وہ مال جس کو آپ نے کمایا ہے, اگر وہ بزنس جس کے خسارے کا آپ کو ڈر ہے, اگر وہ گھر, وہ فلیٹس, وہ بنگلوز جس سے تم راضی اور خوش ہو جو تمہیں محبوب ہیں, احب الیکم من اللہ ورسولی, اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں, پسندیدہ ہیں, فتربصوا, انتظار کرو اللہ کے حکم کا, انتظار کرو اللہ رب العالمین کیا حکم صادر فرماتا ہے تمہارے بارے میں, حتی یأتی اللہ بأمرہ, یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر کے آئے, بھیج دے عذاب, اس لیے کہ تم دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت کرنے لگے ہو. اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت, اس کے جہاد سے محبت جو ہونی چاہیے اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, یہ تمام محبتیں مغلوب اور دنیا کی محبت غالب, کنبے اور قبیلے کی محبت غالب, تو پھر اللہ کا حکم آئے گا. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ فاسق لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا, یہ قرآن کی آیت کہتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بعد اگر ہماری محبت کسی سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے, کسی کی محبت تمام دنیا کی محبتوں پر غالب ہونا چاہیے, تو وہ نبی کائنات, محسن انسانیت, رحمت للعالمین, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اسی لیے صحابہ کرام نے اسی انداز کی محبت نبی سے کی ہے, اور جب کبھی ادھر ادھر بہکے تو نبی نے کچوکے لگائے, ٹوکا, روکا, سنبھالا. کسی اور کی بات نہیں, عمر بن خطاب کی بات آپ سن لیں. یہ عقیدہ جو میں نے آپ کو ابھی دیا ہے قرآن کے حوالے سے کہ اللہ کے بعد ہماری محبت دنیا کی تمام, ہماری محبت دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ اگر کسی سے ہونی چاہیے تو اللہ کے رسول ہیں. اسی باب میں صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور 6632 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کی. ہوا یہ کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, عمر بھی نکلے, چل رہے ہیں, اللہ کے رسول نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول, لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی, اللہ کے رسول آپ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو سوائے میری جان کے, میری جان کو چھوڑ کر دنیا کی جتنی چیزیں ہیں, اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں, ماں باپ, بھائی بند, تجارت, بزنس, بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں, جو بھی دنیا میں ہیں, ان تمام سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, البتہ میری جان کو چھوڑ کر. کیا کہا نبی نے؟ عمر ابھی محبت کا حق ادا نہیں ہوا. حتی اکون احب الیک من نفسک, عمر ابھی تمہارا ایمان کہاں کامل ہوا؟ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہیں پیارا نہ بن جاؤں. کیا کہا عمر نے؟ فواللہ الان انت احب الی من نفسی, تو اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول, آپ اب مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے, میں اپنی جان سے بھی زیادہ اب آپ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. تب اللہ کے رسول نے کہا, الان یا عمر, ناؤ یو آر کمپلیٹ مسلم, کمپلیٹ مومن, ٹرو بلیور, اب تم سچے مسلمان ہو, پکے مسلمان ہو, سچے محبت کرنے والے ہو, تمہاری محبت سچی ہے, لیکن اگر تمہاری جان سے تم کو زیادہ محبت ہوتی مجھ سے بھی, ایمان مکمل نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے. تو میرے بھائیو, ہم جائزہ لیں
इस नबी से हमारी मोहब्बत कैसी है, हम इस नबी को किस अंदाज में चाहते हैं, क्या हजरत उमर की तरह मोहब्बत हम भी रखना चाहते हैं या नहीं। नबी के सहाबा को अगर टोक दिया गया कि अगर देखो तुम्हारी जान भी तुम्हें ज्यादा प्यारी है मुझसे तो तुम कामिल ईमान वाले नहीं, तो हमारी गिनती कहां होगी। इसलिए आओ जायजा ले लो, अपने गरीबानों में झांक लो हमारी मोहब्बत नबी से कैसी है। और क्यों ना हो, नबी से हम क्यों सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करें। कुरान कहता है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 में, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों के नजदीक उनकी जानों से भी ज्यादा प्यारा है। वह अजवाज हो उम्महातुम, एक और बात, और इस नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं। नहीं समझे आप, मोमिन जो भी हैं उनके नजदीक ये नबी उनकी जानों से भी प्यारा है, होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम है। और मोहब्बत ये भी है, उस नबी से मोहब्बत का तकाजा ये भी है कि उसकी जो बीवियां हैं ये मोमिनों की माएं हैं, यानी इनसे भी मोहब्बत होनी चाहिए, उनका एहतराम दिल में होना चाहिए, उनका जिक्र खैर हमें करना चाहिए, उनकी खिदमात जो इस्लाम के ताल्लुक से हमें याद करना चाहिए। अल्लाह के रसूल के घरौंदे की एक खबर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहुंचाया, अपने बाथरूम तक की खबर किसी सफिया ने पहुंचाया, किसी हफ्सा ने पहुंचाया, किसी खदीजा ने पहुंचाया, किसी फला और फला ने पहुंचाया। अज़वाज मुतहरात से कितनी हदीस मरवी हैं, ये हमारी माएँ हैं, इनका भी एहतराम, इनका भी जिक्र खैर हमारी जबान से होना चाहिए। अल्लाह माफ़ फरमाए उन लोगों को जो बाज मौसम में बाज अज़वाज मुतहरात पर किसी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बतौर खास बुरा भला कहते हैं। अल्लाह ताला उनको सही सोच अता फरमाए, ये हम सब की माएँ हैं, आखिर नबी से मोहब्बत कैसे हमारी पूरी हो सकती है अगर आपकी बीवियों से हम मोहब्बत और एहतराम ना करते। ये कुरान की आयत कहती है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बिल्कुल दो टूक अल्फाज में कह दिया। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने बाब बात आए, बाबो वजूब मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना मोमिनों के लिए वाजिब है। कैसी मोहब्बत, जैसी सहाबा की थी, दुनिया की तमाम मोहब्बतों पर गालिब नबी की मोहब्बत। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन, कोई उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक मैं उसके नज़दीक, कौन कहते हैं, अल्लाह के रसूल, जब तक मैं उसके नज़दीक उसके वालिद गिरामी यानी उसके बाप, उसके बच्चे चाहे बेटे हों या बेटियां, और तमाम दुनिया के लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, उस वक्त तक वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता है। यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का पैगाम। इसीलिए आप जब सहाबे किराम और सहाबियात की जिंदगी देखेंगे तो इसी अंदाज की मोहब्बत उनकी नबी से थी कि वो दुनिया की तमाम मोहब्बतों पर नबी की मोहब्बत को गालिब और हावी रखते थे। कोई नाराज हो जाए अगर होना है, लेकिन हमें नबी को नाराज करना गवारा नहीं, नहीं गवारा है। आपने सुना है नाम हजरत जैद बिन हारिसा का, मैं आपको सुना देता हूं। जामे तिर्मिजी अबवाबुल मनाकिब हदीस नंबर 3815, अल्लामा अल्बानी ने इसको सही करार दिया है, जामे तिर्मिजी की रिवायत है। जैद बिन हारिसा जमाने जाहिलियत में एक सफर में जा रहे थे अपने कुंबे कबीले के साथ। इनको बाज रहजनों ने, बाज कबीले वालों ने इन पर धावा बोला, लूट लिया मालो जायदाद को, जैद बिन हारिसा को कैद कर लिया और ले जाकर बाजार में बेचा। इत्तेफाक से खरीदने वाले उसी मक्का के बाजार में हकीम बिन हजाम थे। हकीम बिन हजाम ने किसके लिए खरीदा, अपनी खाला या फूफी उनकी थी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, रिश्तेदार थी, गालिबन उनकी फूफी थी, अपनी फूफी हजरत खदीजा के लिए खरीदा और जैद बिन हारिसा को लाकर उनके पास छोड़ दिया। ये है गुलाम, उस जमाने में गुलाम खरीदे बेचे जाते थे। अच्छा, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्द में है, मक्के की जिंदगी है। आप इस गुलाम को
एक अच्छे इंसान को जैद बिन हारिसा, हजरत खदीजा अपने प्यारे शौहर जनाब नबी आखिर जमा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया में दे देती हैं, तोहफे में। ये अच्छा गुलाम मैं आपको देती हूँ, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जब ये आपको मिले दलील आते हैं, उसी दरमियान पता जब चल जाता है जैद के घर वालों को, उनके कुंबा कबीला वालों को, कि हमारा रिश्तेदार जैद जिंदा है, मारा नहीं गया, मक्के के बाजार में बिका है और उसे खरीद कर मक्के ही में रखा गया है, पता लगा करके लोग पहुंचे। जामे तिर्मिजी 3815 नंबर में जाकर के आप पढ़ लें, अगर आपके घरों में, आपकी लाइब्रेरियों में, आपकी मस्जिदों में किताब है। आए कौन? आए जैद के चचा आए। कौन आए? जैद के सगे भाई आए, जबला बिन हारिसा, और आकर के पूछते पाछते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। हमने सुना है हमारा भाई आपके पास है, ठीक है, ये जैद है? हाँ ये जैद है आपका भाई, हम जैद को लेने आए हैं। कौन कह रहे हैं? जैद बिन हारिसा के भाई जबला बिन हारिसा, और जबला बिन हारिसा के साथ उनके चचा भी, यानी जैद के चचा भी आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन इंतलका माक लम अमनाहू इन इंतलका माक, अगर ये आपके साथ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आजाद है, मैं इनको नहीं रोकूंगा। ये जैद बिन हारिसा जब हजरत खदीजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया कि आपके लिए हदिया है, अल्लाह के रसूल कबूल फरमाइए, तो आपने लिया, आपने जैद को आज़ाद कर दिया और उनको अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था, जिसे लयपालक आप कहते हैं, अरबी में मुतबन्ना कहा जाता है उनको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आपके अखलाक हसना से कौन मुतासिर नहीं होगा? जैद आपके करीब थे, आपके अखलाक हसना से वाकिफ थे, आपके किरदार से वाकिफ थे, आपके गुफ्तार से वाकिफ थे। कौन है जो नबी के अखलाक किरदार का मुकाबला कर सके? जैद खड़े हैं, बगल में उनके भाई जबला बिन हारिसा हैं, आए हुए चचा हैं। जैद मुंह देखते हैं और जवाब क्या देते हैं? जवाब सुनो मेरे भाइयों, वो जैद बिन हारिसा जिनको बाजार में बेचा गया, लोगों ने खरीदा, खदीजा के पास पहुंचे, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, आपने अपना लयपालक बना लिया, जबला बिन हारिसा उनके भाई आ गए, दे दीजिए मैं अपने भाई को लेने आया हूं। जवाब सुनिए, अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन जैद बिन हारिसा का जवाब सुनिए, गौर से सुनिए। वल्लाहि ला अख्तारु अलैका अहदन या रसूल अल्लाह, ओ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आई विल नेवर प्रीफर एनीवन अपॉन यू, आपके होते हुए मैं किसी और के पास चला जाऊं गवारा नहीं है, आप पर मैं किसी को तरजीह नहीं दूंगा। मेरे भाई आए हैं ठीक है, मेरे चचा आए हैं ठीक है, मुझे अपने घर ले जाने के लिए वो चाहते हैं ठीक है सब कुछ, लेकिन ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दर छोड़कर मैं किसी और दर को कबूल कर लूं, ये कैसे हो सकता है? ये थी जैद की मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उन्होंने दुनिया की तमाम मोहब्बत, अपने सगे भाई जबला बिन हारिसा की मोहब्बत, अपने सगे चचा की मोहब्बत, अपने कुंबा कबीला वालों की मोहब्बत को हेज करार दे दिया, किसके सामने? नबी की मोहब्बत के सामने। कहा जाओ, और बाद में जबला बिन हारिसा का बयान आता है, अल्लाह की कसम मेरे भाई की राय मेरी राय से बहुत अच्छी निकली। कौन कहते हैं? जबला, जो लेने के लिए आए हैं जैद को, वो बाद में कहते हैं कि यकीनन जैद ने जो अपने बारे में डिसीजन लिया है, जो फैसला किया है कि मैं इन्हीं के साथ रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, उसका ये फैसला बहुत बेहतर है। ऐसा इंसान किसको मिलता है? कौन ऐसे के पास रहता है और उसका साये आतिफत, उसकी शफकत मोहब्बत, उसके अखलाक किरदार किसे मिलते हैं? बहुत अच्छा फैसला है मेरे भाई का, यह है जैद बिन हारिसा। ये थी सहाबे कराम की मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने कुरान करीम की आयात का मिसदाक होकर के बताया कि जो तकाजा है हमें उसे पूरा करना है। और ये सिर्फ एक जैद नहीं,
बेशुमार जैद आपको मिलेंगे, एक और जैद को ले लीजिए। नबी से हमारी मोहब्बत कैसी हो, सहाबे किराम जैसी हो। हजरत जैद बिन दसेना रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दूसरे सहाबी हैं। अलबिदाया व नहाया जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 445, ये वाकया मनकूल है। वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की जिंदगी में एक बार 10 लोगों का दस्ता बनाया ग्रुप, और कहा जाओ मदीने के आसपास में, आप घुड़सवार हो, ऊंटबान हो, जाओ जरा देख करके आओ कहीं से मदीने पर कोई हमला वगैरह तो नहीं होने वाला, जाओ। उस जमाने में ये कम्युनिकेशन के सिस्टम्स नहीं थे, ये टेली मुआसलात का जो सिस्टम है ये सब नहीं था, ये सैमसंग नहीं था, ये नोकिया नहीं था, ये फला और फला नहीं थे। इसलिए सहाबा को भेजा, जाओ जरा पता लगा करके आओ घूम घाम के कुर्ब जवार में, कहीं से कोई वफ्त, कोई काफिला, कोई कबीला हमला तो नहीं करना चाहता। ठीक है, निकले। उनमें एक जैद बिन दसना है, दूसरे खुबैब बिन आदि भी हैं, और इनके साथ दूसरे और 8 लोग, अट्टे कट्टे नौजवान शह सवार घुड़सवार जा रहे हैं। रास्ते में मदीने के बाहर एक देहात था जहां कबीला आबाद था, कबीले बनू लहयान। उस जमाने में रहजनी बहुत आम थी, चलते हुए कबीलों को लूट लेना, उनकी औरतों को बांटदियाँ और लौंडियाँ बना लेना, उनके मर्दों को ग़ुलाम बना लेना, उनके साजो सामान को छीन लेना, उनके सवारियों को अपने कब्जे में कर लेना, बाजारों में ले जाकर बेच लेना, उनके पास खाने पीने के जो सामान है उसे अपने पास अपने कब्जे में कर लेना। रहजनी कहते हैं इसको, उस जमाने में बहुत आम लूटो खसूट ऐसा हुआ होता था। अभी आपने भेजा, रास्ते में बनू लहयान ने इन 10 लोगों के काफिले पर धावा बोला, हमला कर दिया, लूट लिया सारा साजो सामान, और इन तमाम दसियों ने मुकाबला आराई की, 8 लोग शहीद हो गए, 2 बचे, जैद बिन दसना और उनके साथी खुबैब बिन आदि रजी अल्लाह अन्हु मजमाइन। उन लोगों ने जिन्होंने इनको पकड़ा था, कैद किया था, ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दिया, कहां, मक्के के बाजार में। इत्तेफाक से जैद बिन दसना को सफवान बिन उमैया ने खरीदा, किस लिए, ताकि बद्र की लड़ाई में हमारे आजा और पुरखों को जो इन्होंने कत्ल किया है मदीने वालों ने, उन आजा और पुरखों का बदला मैं इनसे लूंगा, इनको कत्ल करूंगा, इसलिए खरीदा। खरीद करके जैद बिन दसना को हरम मक्का में बांध दिया, खाने काबा की सहन वहां पर बांध दिया, जकड़ दिया, कैदी बना दिया, ऐलान कर दिया। उस वक्त की जो मीडिया थी, जिस अंदाज की भी रही हो, उसने ऐलान कर दिया, फला फला दिन जैद बिन दसना जो पकड़े गए हैं, जिनको हमने खरीदा है, सफवान ने ऐलान करवा दिया, सारे लोग सरे मक्तल तशरीफ लाएं कत्लगाह, और वहां पर फला फला टाइम जैद बिन दसना को कत्ल किया जाएगा, हाजिर हो जाओ। आ गए सब लोग। वो वक्त आया, जैद बिन दसना को हरम से निकाल कर कत्लगाह ले जाया गया। अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, गज़वे बद्र के बाद की ये बात है। सन 8 हिजरी में अबू सुफियान रजी अल्लाह उन्हों इस्लाम लाए। सफवान ने उनको भी बुलाया, चलो आप सरदार हो, अगुआ हो, पेशवा हो, आओ। अबू सुफियान भी आए। आप मेरे भाइयों जरा सोचो इस वाक़े को, अकेला निहत्ता जैद बिन दसना उस पूरी कत्लगाह में, आपकी ये जलसा गाह है ना, ये स्टेज है, यहाँ एक खतीब खड़ा है, आपसे बातें कर रहा है। एक कत्लगाह थी, वो मक्तल उसको कहा जाता है, जहां अकेले जैद को खड़ा कर दिया गया, तमाम मक्के के लोग तमाशाई बने हुए हैं। अब उस सुफियान आगे बढ़ते हैं, उस अकेले ईमान वाले से जाकर बात करते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं जैद बताओ क्या आज तुम नहीं चाहते, उन शिदु का बिल्ला ही अजैद। ये अल्फाज हैं किसके, अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं थे। कहते अल्लाह का हवाला देकर पूछता हूं, सही सही बताना, ए जैद आज जिस पोजीशन में तुम हो, जिस हालत में हो, तुम्हें यकीन है कि आज हमारा कत्ल होगा, क्या तुम नहीं चाहते हो कि जिस इंसान की वजह से तुम्हें आज ये बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, उस इंसान को पकड़ कर लाया जाए, उसे तुम्हारी जगह इस कत्लगाह में खड़ा कर दिया जाए, और तुम्हें उठा करके तुम्हारे बीवी बच्चों में सलामती के साथ भेज दिया जाए, तुम अमन पा जाओ, नजात पा जाओ, और तुम्हारी जगह उस इंसान को ला करके कत्ल कर दिया जाए, बताओ जैद तुम नहीं चाहते। इम्तिहान था, अकेला निहत्ता।
लेकिन वो शेर इस्लाम उन तमाम के नरगे में, इस बड़ी महफिल में जहां तिल धरने की भी शायद जगह किसी को मिलती, तमाम मक्का उमड़ आया था अपने आजाओं और पुरखों के खून का बदला लेने के लिए इस एक निहत्ते से जिसको खड़ा किया गया है कत्ल होने के लिए। अबू सुफियान जब ये सवाल करते हैं तो जैद बिन दसना अकेला बेसरो सामान एक ईमान वाला पूरी मजलिस में क्या जवाब देता है। देखो उनकी जुरात, उनकी शुजात, नबी से उनकी मोहब्बत। अबू सुफियान क्या पूछते हो, किससे पूछते हो? सुनो, अल्लाह की कसम मैं तो ये भी नहीं चाहता हूं कि वो रसूल जिसकी वजह से मैं आज ये दिन देख रहा हूं, उस रसूल को लाकर मेरी जगह पर खड़ा करना तो दूर की बात, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मेरे बदले उनको ला करके यहां पर उनके पैर में कांटा तक भी चुभोया जाए और उनको तकलीफ हो। अल्लाह की कसम मुझे उनके पैर में कांटा तक चुभना गवारा नहीं है। मैं कब ये बर्दाश्त करूंगा कि उस नबी आखिरुज़्ज़मा मोहसिन कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर मेरी जगह पर खड़ा किया जाए और ये तलवार उनकी गर्दन पर चले, एक नहीं कई जाने होती तो मैं उसी रसूल और उसके अल्लाह की खातिर में कुर्बान कर देता। मेरे ईमान का इम्तिहान ले रहे हो, मेरी मोहब्बत का जायजा ले रहे हो। वही वक्त है जब अबू सुफियान जो कुरैश मक्का के सरदार थे उन्होंने कहा था, वल्लाहि मा रअयतु अहदन युहिब्बु अहदा कहब्बे असहाब मुहम्मदिन मुहम्मदा, अल्लाह की कसम मैं इस रुई जमीन पर नहीं जानता किसी को जिससे लोग मोहब्बत करते हों वैसी जैसी मोहब्बत से, जैसी मोहम्मद के चाहने वाले मोहम्मद से करते हैं। ऐसी मोहब्बत मैंने किसी की नहीं देखी जैसी मोहब्बत मोहम्मद के साथियों की मोहम्मद के साथ है कि वो हर तकलीफ को गवारा कर लेते हैं लेकिन अपने उस नबी को, अपने उस रसूल को तकलीफ पहुंचाना गवारा नहीं करते। ये अबू सुफियान के अल्फाज थे, ताज्जुब के कलिमात। वही अबू सुफियान 8 हिजरी में फतेह मक्का के मौके पर इस्लाम लाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु वारदा, उनकी बीवी हिंदा भी इस्लाम लाती है। यह है सहाबे किराम की मेरे भाइयों मोहब्बत। हमारी मोहब्बत कैसी है हमें जायजा लेना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है कि हम दुनिया की थोड़ी सी पूंजी कमाने के लिए उसी रसूल के हुक्मों को ठुकराते हुए नजर आते, तिजारत और बिजनेस में घपला करते हुए नजर आते, तिजारत और बिजनेस में झूठ बोलते हुए नजर आते, तिजारत और बिजनेस में धोखा और फरेब से काम लेते हुए नजर आते हैं। मेरे भाइयों क्या ऐसा नहीं है? अगर है तो ये नबी से मोहब्बत का तकाजा बिल्कुल नहीं है। तकाजा ये है कि हमारे तिजारत और बिजनेस में शफाफियत हो, हमारे तिजारत और बिजनेस में सफाई हो, हम लोगों को धोखा और फरेब में न मुब्तला करें, बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में बिजनेस कर रहे हों। इसी तरह हर इंसान अपने अपने दायरे में, अपने अपने लेवल पर, इसी तरह अपने अपने शोबे जात में, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में वो जिम्मेदार है कि नबी की मोहब्बत को अपने दिलों में रखे और नबी की सच्ची मोहब्बत वो है जो नबी के हुक्मों पर अमल करने के लिए हमें ले आए। ये नबी का हुक्म है, ये नबी की सुन्नत है, ये नबी का काम है, ये नबी की बात है और तब ये दलील होगी कि हमारी मोहब्बत नबी से सच्ची है। हमें जायजा लेना चाहिए। और ये मोहब्बत सिर्फ सहाबे किराम की नहीं, सहाबियात की भी थी। बेशुमार नाम हैं लेकिन एक मैं आपके सामने रखता हूँ, एक अंसारी सहाबिया कबीले बनू दीनार की हैं, सीरत इब्ने हिशाम जिल्द नंबर 4 बाबो गज़वते ओहद। गज़वे ओहद हो रहा है, हो चुका। इस खातून के कबीले बनू दीनार की इस खातून के घर के 3 लोग ओहद के मैदान में गए थे, शौहर, भाई और वालिद, फादर, ब्रदर एंड हस्बैंड, 3 लोग शरीक हुए और इत्तेफाक से 3 के 3 शहीद हो गए, शहादत का जाम पी लिया। वापस आते हुए साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला ने वाकया बयान कर रहे हैं कि हम लोग गुजर रहे थे, हम सहाबा गुजर रहे थे, इतने में ये खातून, इसको खबर दी गई, 3 जो आपके घर के अफराद थे, आपके बाप, आपके भाई, आपके शौहर, 3 काम आ गए हैं, 3 की शहादत हो गई है। मेरे भाइयों जरा सोचो इस मामले को। खातून वैसे भी एक कमज़ोर फितरत की है, नर्म दिल की, नर्म तबीयत की है, छोटे छोटे मामलात पर रोना धोना गिरिया उजारी करना उसकी आदत और फितरत है।
खाल खाल आपको ऐसी ख्वातीन मिलेंगी जिनमें जुरअत, शजाअत, हिम्मत और बहादुरी हो, जो ऐसे हालात को बर्दाश्त कर सकती हों। एक बच्चा इंतकाल हो जाता है, ख्वातीन सब्र नहीं कर पाती। 3 लोग शहीद हो गए, क्या हुआ? उस खातून को बताया गया, बाप शहीद हो गए, शौहर शहीद हो गए, भाई शहीद हो गए। अच्छा, फितरी गम तो हुआ, लेकिन जो जुमला उनकी जबान से निकला था वो ये था, मा फ़अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा जरा ये बताओ, रसूलुल्लाह कैसे हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं रसूलुल्लाह? जवाब मिलता है, खैरन या उम्मा फुला हुआ कमा तुहिब्बीन, ऐ फुला की माँ वो बिल्कुल खैरियत से हैं, उसी हालत में है जैसा तुम देखना पसंद करोगी। लेकिन इसके बावजूद वो सहाबियाँ हैं, उनका दिल तड़प रहा है, काश रसूलुल्लाह का दीदार हो जाता, मैं आपको सही सालिम देख लेती। अरुनी हत्ता अंजुरा इले, कहती हैं दिखा दो मुझे कहाँ हैं, मैं अपनी आंखों से देख लूँ रसूलुल्लाह को कि वो सलामत है, दिखा दो मुझे साहबा कहाँ है। ठीक है, आओ आओ चलो, ये देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये है। क्या कहा उस खातून ने, वो खातून जिसके शौहर शहीद, जिसके भाई शहीद, जिसके वालिदे गिरामी शहीद, 3 अफराद घर के शहीद हो गए हैं। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती हैं, आपके चेहरे अनवर का दीदार करती हैं और कहती हैं, कुल्लु मुसीबतिन बादा का जललु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अब आपकी सलामती को देखकर तमाम मुसीबतें हेच हो गई। गम जाता रहा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे घर के 3 अफराद की जो शहादतें लिखी थी, अल्लाह इनको कबूल फरमा ले, अल्लाह इनको कबूल फरमा ले, तमाम मुसीबतें आपको देखकर हल्की हो गई हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थी सहाबियात की मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो सहाबा और सहाबियात, ये कुरान की उस आयत को समझकर, उसे पढ़कर, उसका उसकी स्टडी करके उन्होंने नबी से मोहब्बत का जो तकाजा है कि अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ईमान वाले की मोहब्बत सबसे बढ़कर होनी चाहिए, सहाबा और सहाबियात दोनों ने अमली जामा पहना करके बताया है कि देखो ऐ दुनिया वालों, ऐ उम्मते मुहम्मदिया के इंसानों, देखो अगर तुम्हें भी मोहब्बत करनी है तो हम तुम्हारे सामने मिसाल हैं, करो इस नबी से वैसी मोहब्बत जैसा मोहब्बत करने का हक है। ये है नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, शायद कोई आपसे मिले कहे कि ठीक है ये तो लफ्जी जमा खर्च था, उन्होंने कहा मुझे आपसे मोहब्बत है, उमर ने कहा मुझे आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत है, खातून ने कहा आपको देखकर सारी परेशानियां हल्की हो गईं, लफ्जी जमा खर्च है ना, ऐसा दावा तो हर कोई कर सकता है, नऊजु बिल्लाह मिन ज़ालिक, क्या जवाब होगा आपका? नहीं, उन सहाबा और सहाबियात ने मोहब्बत के जो तकाजे हैं उनका पासो लिहाज किया, उसे अदा किया। और मोहब्बत का तकाजा क्या है मेरे भाइयों? जिससे मोहब्बत किया जाए उसकी मानी जाए, उसके हुक्मों पर चला जाए, उसकी बातों पर अमल किया जाए, उसके उसवे को ढूंढा जाए, किस फील्ड में, किस शोबे में, किस डिपार्टमेंट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे महबूब हैं उन्होंने क्या किया है, किस अंदाज में किया है, आपकी नमाजें कैसी रहीं, आपका जुमा कैसा रहा, आपकी ईदैन कैसी रही, आपकी फजर कितनी रकात थी, आपने मगरिब कितनी रकातें पढ़ी हैं, जोहर आपने कितनी पढ़ी थी, असर और ऐशा की रकातें आपने कितनी दोहराई हैं। हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो आपके उस्वा को ढूंढें, हर फील्ड में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ कर उस पर अमल करें, यह तकाजा है। यही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने कहा था अल्लाह के रसूल मैं अपनी जान को छोड़कर आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, और फिर कहा नहीं अब मैं अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं। इसकी दलील भी दी उन्होंने, तवाफ कर रहे हैं, अल्लुलु अल मरजान जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1120, एक किताब है अल्लुलु अल मरजान जिसमें बुखारी और मुस्लिम में मौजूद यानी मुत्तफक अलैह जो हदीस हैं वो इस किताब में दर्ज हैं, यानी इस किताब में जो भी हदीस है उसमें कोई डाउट नहीं है, उम्मत का इत्तेफाक है, इजमा है कि वो सब सही हैं, बुखारी में भी है मुस्लिम में भी। अल्लुलु अल मरजान 1120 नंबर की हदीस, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं
तवाफ कर रहे हैं, आकर खड़े हो जाते हैं एक पत्थर के सामने जिसे चूमा जाता है। आप लोग जानते हैं नाम क्या है? बोलो भाइयों, हजरे। हजर का मतलब पत्थर, स्टोन, और अश्वत का मतलब है काला, ब्लैक। हजरे अश्वत का मतलब ब्लैक स्टोन, ठीक है। आ गए, तवाफ वहीं से शुरू होता है ना, और वहीं आकर ख़त्म होता है। कोई भी जो उमरा करने गए हों या हज करने गए हों, उन्होंने देखा होगा अल्लाह ताला आप तमाम को उमरा और हज की तौफीक अता फरमाए, वहीं से शुरू होगा तवाफ, उसी पत्थर से, और वहीं पर आकर वो ख़त्म होगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, ए हजर क्या कह रहे हैं? वल्लाह इन्नी लाअलम अन्नक हजर ला तदुर व ला तनफा। भाई अल्लाह, आई नो दैट यू आर एन स्टोन, कैन नॉट हार्म नॉट बेनिफिट। अल्लाह की कसम मुझे पता है तुम एक पत्थर हो, ना मुझे नफा दे सकते हो ना नुकसान पहुंचा सकते हो। वलौला अन्नी रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तलम कम इस्तलम तुक, अगर ये बात ना होती कि मैंने अपने नबी को तुम्हें चूमते हुए देखा है, अगर ये बात ना होती कि मैंने अपने नबी को चूमते हुए देखा है तुम्हें, तो अल्लाह की कसम मैं तुम्हें नहीं चूमता, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरे नबी ने तुझे चूमा है, बोसा दिया है, होंठ लगाए हैं, इसलिए मैं चूम रहा हूं। फस्तलमहू, फिर चूम लिया। क्या पैगाम है इसमें? पत्थर बेजान चीज, हम क्यों चूमेंगे? लेकिन हमें चूमना है, तवाफ अगर हमें करनी है, सुन्नत तवाफ अगर अच्छे मानों में अदा करना है और मौका मिल रहा है तो हम चूमेंगे। हाँ, अगर भीड़ भाड़ है, रश फुल है, तो फिर हम अवॉइड करेंगे, लोगों को तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन अगर हम पहुंच गए तो हमें चूमना है, चूमना है। क्यों भाई, बोलो क्यों चूमना है? इसलिए कि, बोलो ना भाई, हमारे नबी ने चूमा है। ये दलील है कि नबी से हमारी मोहब्बत है, उसकी सुन्नतों से हमें मोहब्बत है, तो नबी से हमारी मोहब्बत है जी। इस तरह सहाबे किराम की मोहब्बत थी, उन्होंने अपने अमल से साबित करके बताया हम नबी के चाहने वाले हैं, नबी हमारे महबूब हैं। लफ्जी जमा खर्च नहीं, आपकी सुन्नतों की पैरवी हमारा सेवा है, हमारा वतीरा है, हमारा तरीका है। जिस फील्ड में रसूल ने जो किया है, जैसे किया है, हम वैसे करेंगे। हम नहीं चूमते अगर अल्लाह के रसूल ने ना चूमा होता, हमारे नबी ने चूमा है, इसलिए मैं तुम्हें चूम रहा हूं। सुभान अल्लाह। बात इतनी ही नहीं, मैं आपको बताऊं, चाहने वालों ने, नबी के मुहब्बीन ने, नबी से मोहब्बत करने वालों ने तो अपनी पसंद को नबी की पसंद को अपनी पसंद बना लिया, और नबी को जो चीज़ें नापसंद थीं वो नापसंद करने लगे। हालांकि शरीयत में कहीं ये मुतालबा नहीं है, खाने पीने की चीज़ें, पहनने ओढ़ने की चीज़ें जो हैं, जो हलाल हैं, आपको उसमें से जो पसंद हैं आप लीजिए, आप खाइए, आप पीजिए, आप पहनिए। जो चीज़ें आपको, भले वो हलाल हैं, आप पसंद नहीं करते, आप अवॉइड कर सकते हैं, और अवॉइड करते हुए आप जन्नत जा सकते हैं। लेकिन आओ, मोहब्बत का तो तकाजा यही है कि एक मुहिब अपनी महबूब की अदाओं पर कुर्बान जाए, जो उसके महबूब को पसंद है वो उसे भी पसंद हो जाए, जो उसके महबूब को ना पसंद है वो उसे भी ना पसंद हो जाए। सहाबा ऐसे थे मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत उनकी ऐसी थी। आपने अबू अय्यूब अंसारी का नाम सुना है रजी अल्लाह अन्हु व अर्जा, कौन थे ये? मुहाजिर थे कि अंसारी? बोलो जी, आवाज कम आ रही है। अंसारी सहाबी, इनकी खसूसियत आज हमारे बच्चों को नहीं पता, आज हमारे जवानों को नहीं पता, इसलिए कि उन्हें पता है कोई सलमान खान, इसलिए कि उन्हें पता है कोई आमिर खान, इसलिए कि वो पीछे पड़ते हैं किसी और के। नहीं पता उनको अबू अय्यूब कौन थे। कभी कभी तो अफसोस होता है, बता दो खुलफाए राशिदीन का नाम क्या क्या है, हमारा नौजवान हक्का बक्का खड़ा है, उसे खुलफाए राशिदीन के फोर कैलिप्स ऑफ इस्लाम नहीं पता। ऐसा वक्त आ चुका है,
वक्त है हम इन नौजवानों की तरबियत करें, इन बच्चों के लिए ऐसे इस्लामिक स्कूल्स का इंतजाम करें। ए कायदो, ए मिल्लत इस्लामिया के पेशवाओं, अगर आपने बागडोर संभाली है और इनके वोट आपकी झोलियों में पड़े हैं जिनकी वजह से तुम किसी लोकसभा किसी राज्यसभा के मेंबर की गद्दी पर बैठ चुके हो, तुम मेयर बन चुके हो, तो सोसाइटी के अमीर बन चुके हो, ए कायदो आओ इन नौनिहाल बच्चे और बच्चियों के लिए ऐसे स्कूलों का इंतजाम करो जो इस्लामिक हो और रजिस्टर्ड कराओ, पता चले उनकी तरबियत हो। ये उसी की एक कोशिश है जो आप देख रहे हैं। मैं आपसे कह रहा था अबू अय्यूब अंसारी, इनकी खसूसियत शायद कम लोगों को पता हो। नबी जब मदीना में मेहमान उतरे थे, मेजबान कौन थे बोलो? बड़ा आसान है, अब मेजबान कौन थे? अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला। अबू अय्यूब अंसारी के घर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी सामने बैठ गई और आप उनके मेहमान बन गए। ये वाकया सही मुस्लिम में है। आप मामूल के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का सब डिनर पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं, आप खा रहे हैं। कभी आपको छोड़ देते हैं प्लेट में तो अबू अय्यूब अंसारी और उनके बच्चे बड़े शौक से उसे खा रहे हैं। शर्फ समझ रहे हैं, तबर्रुक है भी। एक बार इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि अबू अय्यूब अंसारी ने खाना भेजा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और जैसा गया था कुछ देर के बाद बस वैसा ही वापस आ गया, हाथ भी नहीं लगा उसमें आपका। अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान हुए, क्या माजरा है, आपकी तबीयत तो ठीक है, आज आपने हाथ तक नहीं लगाया, कहीं उंगलियां तक नहीं दिखाई दे रही, कुछ नहीं खाया, एक लुकमा भी आपने तनावल नहीं किया, कुछ तो बात है, चलो पूछते हैं। आए अल्लाह के रसूल सल्लम, आज आपने खाना नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है, आप खैरियत से तो हैं? हाँ सब कुछ ठीक है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खाना एक निवाला भी नहीं खा सके? हाँ, असल में अबू अय्यूब उसमें लहसुन पड़ी हुई थी। लहसुन आप जानते हैं, गार्लिक आप जानते हैं, लहसुन प्याज बनू इसराइल ने मांग लिया था ना, उनको मन्नो सलवा पसंद नहीं था ऊपर आसमान से आने वाला, हम जोतेंगे बोएंगे किसानी करेंगे लहसुन और प्याज उगाएंगे, उग गई हलाल खाओ। लहसुन इसमें पड़ी थी इसलिए मैंने नहीं खाया। क्या हराम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहसुन? नहीं 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 हराम नहीं, बस मुझे पसंद नहीं है। क्या कहा नबी ने? मुझे पसंद नहीं। ठीक है, हराम नहीं है, यानी अबू अय्यूब को आपने नहीं मना किया, मत डालो मत खाओ मत उगाओ, नहीं बस मुझे पसंद नहीं है अबू अय्यूब। ठीक है अल्लाह के रसूल, आज से आप नहीं पाएंगे, मुझे भी वो चीज ना पसंद है जो आपको ना पसंद, अल्लाह के रसूल मैं आज से अवॉइड करूंगा इसको। सुभान अल्लाह, नबी को चाहने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले अपने महबूब की अदाओं पर कुर्बान गए। ए नबी आपको अगर ये ना पसंद है तो मुझे भी ना पसंद। लेकिन हम नहीं, हमारे नबी को ना पसंद है तो क्या हुआ, मैं करूंगा मैं, ठीक है। हालांकि तकाजा नहीं था, वो हराम चीज नहीं थी, उसे खा सकते थे अबू अय्यूब अंसारी, और कोई भी मुसलमान अगर पका कर खाता है बिल्कुल वो शौक से खा सकता है, और अगर कच्चा भी खाए लहसुन या प्याज जायज है, हलाल है, बस थोड़ा ख्याल ये रहे कि नमाज से पहले ना खाए ताकि नमाज में मस्जिद में जब जाए तो उसकी बदबू ना आए, और अगर आधा एक घंटा पहले खाया भी है उसे चाहिए कि वो जाने से पहले दातून मिसवाक कर ले ब्रश कर ले ताकि इसकी बदबू चली जाए, अगर वो जिंदगी भर इसे खाता पीता रहे कच्चा या पक्का इंशाल्लाह ये चीज उसको जन्नत में जाने से नहीं रोकेगी। लेकिन इसके बावजूद किसी नबी के फिदाई का, किसी नबी के चाहने वाले का अंदाज देखिए, ऐ नबी आपको ना पसंद है मुझे पसंद नहीं हो सकती वो चीज। ये है नबी से मोहब्बत, और जो चीज आपको पसंद वो मुझे भी पसंद। कौन कहते हैं? आओ हजरत अनस से पूछ ले। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, सही बुखारी की रवायत है, किताबुल बुयू के अंदर एक बाब बांधा है इमाम बुखारी ने, बाबु जिक्रिल खयात, दर्जी सिलाई करने वाले का बाब, मतलब दर्जी का काम जायज है। आओ दलील, दो दलीलें, एक तो दर्जी कोई बन सकता है, सिलाई कढ़ाई कर सकता है, जायज है, औरतों को हाथ ना लगाए,
और नंबर दो, नबी की पसंद अपनी पसंद बनाने का अंदाज क्या हो, हज़रत अनस से कोई सीख ले। हुआ ये कि एक बार एक खयात जो मदीने में थे, यानी दर्जी, सिलाई करने वाले, टेलर, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत। अच्छा, क्या पेश किया उन्होंने? अनस भी गए, अनस दावत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चले गए अनस भी। मतलब तुफैली में जाया जा सकता है ना, नबी सल्लम कभी कभी पूछ लेते थे, कभी आपने नहीं भी पूछा और आपके खादिम आपके साथ गए। हजरत अनस आपके खादिम खास थे, 10 साल तक आप सल्लम की खिदमत की है हजरत अनस रजी अल्लाह तआला ने। हजरत अनस कहते हैं कि उन्होंने पेश किया दस्तरखान पर जो क्या था, वो खुबजन व मरिकन फीह दुब्बा उन व कदीद, रोटी पेश किया टेलर ने और सालन पेश किया जिस सालन में गोश्त और लौकी या कद्दू कह लीजिए उसके टुकड़े थे, गोश्त मिक्स था सब्जी के साथ, कद्दू और लौकी के टुकड़े। कहते फरायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यततबउ दुब्बा फी सहफा, मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो प्लेट जिसमें रखा हुआ है सालन, वो कटोरा, वो साफा, उसमें आप ढूंढ ढूंढ करके दुब्बा यानी कद्दू को निकाल निकाल करके खा रहे हैं। मुझे पता चला कि आपको पसंद है, आपने कहा हाँ मुझे पसंद है कद्दू। अनस कहने लगे मुझे तो इतना पसंद नहीं था, लेकिन नबी ने खूब रग़बत के साथ उसे खाया, बस मुझे भी उसी दिन से यह कद्दू पसंद हो गया। सुभान अल्लाह, नबी के चाहने वाले, नबी की पसंद को अपनी पसंद बना लिया, नबी की नापसंद को अपनी नापसंद बना ली। लेकिन ए नौजवानों, आज जब आपसे कहा जाता है कि नापसंद नहीं, नबी ने कहा है हराम है अवॉइड करो, लेकिन नहीं, छुटती नहीं है मुंह को ये काफिर लगी हुई, मैं तो पीऊंगा सिगरेट, मैं तो पीऊंगा बीड़ियां, मैं तो खाऊंगा तंबाकू, मैं चरस और गांजों से अपने आप को दूर कैसे कर सकता हूँ, नाइट की ड्यूटी है 12 से 14 घंटे मैं निभाता हूँ, आखिर इसके बगैर मेरा काम कैसे चलेगा। कौन कहता है? हमारा अपना नौजवान सर्विस करने वाला। कुरान और हदीस की रोशनी में मेरे भाइयों, आप जाओ कहीं भी बीड़ी सिगरेट तंबाकू का नाम तो कुरान में नहीं है, लेकिन उसी कुरान ने फरमाया है وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ, ये नबी जो आया है तुम में, ये तुम्हारे लिए हलाल चीज़ों को, मुबाह चीज़ों को, तय्यबात को, पाकीज़ा चीज़ों को हलाल ठहराता है, और ये नबी अल्लाह के हुक्म से उन चीज़ों को तुम पर हराम करता है जो खबीस हैं, पलीद हैं, गंदी हैं, नुकसानदेह हैं। किसी को शुबा है कि बीड़ी सिगरेट और तंबाकू नुकसानदेह है कि नहीं है? किसी को शुबा? पूछ लो, WHO से रिपोर्ट मांग लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है साल भर में जो लोग मरते हैं उनमें से एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो तंबाकू और उससे बनी हुई अशिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो अपने आप में एहतियात नहीं करते, नतीजा ये होता है कि अपने हाथों अपनी सेहत को बर्बाद करते हुए कभी फेफड़े का कैंसर, कभी दिल का, कभी और चीज़ों का, दूसरे अज़ाए जिस्म का कैंसर उन्हें पकड़ता है और उसी जान दे देते। खबाइस, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है कि ये चीजें खबाइस में से हैं, खबीस हैं, पाकीज़ा और ताहिर, ये तय्यिब नहीं है। लेकिन नौजवानों, छुटती नहीं है मुंह को ये काफिर लगी हुई, कैसे छुटेगी? आओ जरा सहाबा का अंदाजे मोहब्बत देख लो। सहाबा ने तो वो चीजें तक छोड़ दी जब नबी की आवाज कानों से टकराई, नबी का ऐलान कानों से टकराया, वो चीज जिसमें वो एक अच्छा अरसा गुजार चुके थे और जो चीज उनकी घुट्टी में बैठ चुकी थी, छोड़ने को जो वो तैयार नहीं हो रहे थे। मक्के की जिंदगी, मदीने की जिंदगी भी अच्छी खासी गुजर गई है और अभी तक सहाबा शराब पी रहे थे। सुना है आपने? बता दूं, शराब मदीने में ऐसे पी जाती थी, मक्के में ऐसे पी जा रही थी जैसे हम और आप अपने घर में रेफ्रिजरेटर में पानी के बोटल्स रखकर पीते हैं ना, जब जरूरत हुई मंगा लिया। हम मटके रखते हैं पानी के लिए और उससे निकाल निकाल कर गिलास में पी रहे होते हैं, ऐसे शराब मक्के में थी, लोग पीते थे, इस कदर उसके रसिया हो गए थे। इसीलिए शराब को अल्लाह ने एक ही मरतबा में हराम नहीं किया,
सबसे पहले अल्लाह ने सूरह बकरा सूरत नंबर 2 की आयत नंबर 219 नाजिल फरमाई, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ये लोग पूछते हैं नबी आपसे शराब और जुए के बारे में, तो बता दो कि इन दोनों में नफा भी है नुकसान भी है, गुनाह भी है, लेकिन सुनो गुनाह बढ़ा हुआ है नफा से, यानी नफरत होनी चाहिए। ये नुकसानदेह चीज़ है शराब, थोड़ा सा फायदा भी है, हो सकता है लहीम शहीम मोटा हो जाए आदमी पी करके, लेकिन नुकसान ज्यादा, यानी अभी शराब हराम नहीं हुई नफरत दिला दी अल्लाह ने। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी मरतबा सूरह निसा सूरत नंबर 4 में आयत नंबर 43 नाजिल हुई, कब? जब अब मक्के की जिंदगी में आप मेराज से आ गए, नमाज 5 वक्ता फर्ज हो गई, तो अल्लाह ने ये सूरह निसा में उतारा। क्या उतारा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो देखो अब नमाज के करीब मत जाओ जब नशे की हालत में रहो। क्या मतलब था? यानी शराब खूब पियो खूब पियो खूब पियो और नमाज माफ, जब नशे में धुत रहोगे तो नमाज के करीब नहीं जाना है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि इंसानों, ऐ मोमिनों, नमाज तो फर्ज हो गई ना, ठीक है फजर से जोहर के बीच में एक लंबा वक्फा है, लेकिन जोहर से असर के बीच में थोड़ा सा वक्फा है, पियोगे नमाज कैसे अदा होगी? असर से मगरिब के बीच में बहुत मुख्तसर सा वक्फा है, मगरिब से ईशा के बीच में कोई खास वक्त नहीं है, तो ऐसा करो ही मत कि तुम्हें नमाज छोड़नी पड़े। यानी अवॉइड करो शराब को कि नमाज तो फर्ज है, ये ठीक है अभी तुम पी रहे हो, लेकिन अगर इसके पीने से तुम्हारी फर्ज छूटे तो फिर ऐसा काम क्यों करने का? यानी गोया कुरान की आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजकर ये बता रहा है कि मक्के वालों अब ये शराब कोई अच्छी चीज नहीं रही, इसलिए कि इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर जो अल्लाह ने लागू फरमा दिया है, फर्ज कर दिया है, वह नमाज भी छूट जाएगी, इसलिए पियो ही मत कि तुम्हें नमाज छोड़ना पड़े। ये मैसेज है इस आयत करीमा का, ये पैगाम है इसका, यानी अवॉइड करो बचो, अच्छी चीज़ नहीं। लेकिन अब भी शराब हराम नहीं हुई, अल्लाह जानता है ना उनकी नसों को, जानता था अल्लाह उनका खालिक है, उनके बॉडी साइंस को अच्छी तरह जानता था कैसे रोका जाए। तीसरी बार में अल्लाह ने इस शराब को हराम किया, सूरह मायदा सूरत नंबर 5 की आयत नंबर 90 उतारी, क्या कहा? इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अनसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ नबी अब बता दो कि ये शराब, ये जुआ, ये पांसे के तीर और ये आस्तानों पर की जाने वाली कुर्बानियाँ सब शैतानी काम और गंदे काम हैं, नापाक हैं, रिज्स हैं, इसलिए फजतनिबो, ऐ मोमिनो तुम इनको अवॉइड करो, इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम्हें कामयाबी मिल सके। मतलब अब हराम हो गई, कामयाबी पाओगे जब, बचोगे तब। हराम हो गई शराब, इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, क्या? बाबो सब्बिल खम्र फित तरीक, सही बुखारी किताबुल मजालिम में बाबो सब्बिल खम्र फित तरीक, रास्ते में शराब को उडेलने का बाब, हदीस नंबर 2464 सही बुखारी की रवायत। हजरत अनस कहते हैं जब ये आयत उतरी है सूरह मायदा की आयत नंबर 90 और शराब हराम हो गई, तो मैं अबू तलहा अंसारी के घर में मदीने में लोगों को खजूर से, उम्दा खजूर से बनी हुई शराब फदीख पिला रहा था, जाम लोगों के मुंह से लगे हुए थे, प्याले पी रहे थे लोग, मजे ले रहे थे। इतने में मुनादी आया, आवाज लगाने वाला आया और उसने कहा अला इन्नल खम्र कद हुर्रिमत, लोगों सुन लो, ऐ मदीने वालों आगाह हो जाओ, शराब हराम कर दी गई। उस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं था, लोग गली कूचों में जाते थे, मुनादी अल्लाह के रसूल की आवाज लगाते थे तेज, अजान भी बगैर लाउड स्पीकर के हुआ करती थी जी, आवाज लगाई, ये आवाज कानों से टकरा गई किसके? अनस, और अनस जिनको पिला रहे थे उनसे। अनस कहते हैं अबू तलहा अंसारी ने अपने मुंह से लगा हुआ जाम फेंक दिया, उनके साथियों ने भी तोड़ डाले और क्या कहा? ओ खुरुज फ़ाहरिक़हा या अनस, ए अनस जाओ, शराब जब हराम हो गई तो ये मटके जो हमारे घर में रखे हैं मशकेजे, जाओ इन्हें ले जाकर मदीने की गली कूचों में फोड़ कर बहा दो, अब तो हलाल नहीं रही, जाओ
हजरत अनस कहते हैं मैंने अबू तलहा अंसारी के हुक्म की तामील करते हुए जाकर उनके घर में रखे हुए मटकों को उठाया जिनमें शराब रखी थी और एक के बाद एक ले जाकर मदीने के गली कूचों में मैंने फोड़ डाला और इसी तरह तमाम लोग जो मदीने के थे उन्होंने नबी के चाहने वालों ने अपने अपने घर में मौजूद घड़ों को उठाया ले जाकर मक्के की मदीने की गली कूचों में फोड़ दिए और हालत ये थी जैसे सैलाब का पानी मदीने में बह रहा हो। मतलब शराब इस कसरत से पी जा रही थी, इतने मटके मदीने में रखे हुए थे शराब के कि जब सहाबा ने सुना हराम हो गई ले जाकर उन्हें फोड़ दिया तो उस पानी की उस शराब की कसरत इतनी थी कि उसके गली कूचों में शराब सैलाब की तरह बहने लगी। फजरत फी सककिल मदीना, मदीने के गली कूचों में शराब बह रही थी। सुभान अल्लाह। वो सहाबा जब उन्होंने सूरह मायदा की आयत नंबर 90 सुनी और मुनादी की आवाज़ उनके कानों से टकराई तो मेरे भाइयों मेरे नौजवानों उन्होंने नहीं इंतज़ार किया कि नहीं अभी चलूँगा मैं नबी से पूछूँगा मैं कुरान की इस आयत का तर्जमा सुनूँगा मैं कुरान की इस आयत को अच्छी तरह समझूँगा मैं, नहीं, मुनादी ने आवाज़ लगा दी है कानों से टकरा गई है हराम तो हराम। लेकिन हमें नहीं, सिगरेट पी रहे हैं ना आदत लग गई है क्या करें मौलाना। नौजवानों जरा सोचो गौर करो कितने लोग हैं जो इसी की वजह से फेफड़े के कैंसर में साल हा साल मुब्तला होते और जान जान आफरी के हवाले कर देते। कुरान कहता ला तुल्कु बिअयदीकु मिलत तहलुका, अपने आप से क्यों अपने आप को हलाक कर रहे हो, बर्बादी के दहाने पर ले जा रहे हो। ये सिगरेट की पैकेट पे कंपनियों ने अपनी अमानतदारी का सबूत देते हुए लिख दिया इट इज डेंजरस फॉर हेल्थ, बहुत खतरनाक चीज है, इसके बावजूद तुम उस खतरनाक चीज को पी रहे हो, बड़े शौक से ले रहे हो। क्यों? इसलिए कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग पी रहे हैं, कोई खान साहब पी रहे हैं, मैं भी तो एक नौजवान हूं, बॉडी बिल्डर हूं, मुझे भी ये शौक रखना चाहिए। नौजवानों जरा सोचो गौर करो, नबी से मोहब्बत का तकाजा यही है। नबी ने हराम जिस चीज को किया हो, जिस खबीस को हराम करार देने के लिए इस रूए जमीन पर जो नबी आया हो, वो उससे मोहब्बत का तकाजा यही है कि तुम ये कहते फिर हो नहीं आदत पड़ गई है। सोचो सोचो मोहब्बत कैसी है और नबी के सहाबा कैसे मोहब्बत करते थे नबी से। आपकी पसंद को उन्होंने अपनी पसंद बना लिया, आपकी नापसंद को उन्होंने अपनी नापसंद बना ली। सच कहा है किसी शायर ने, पसंद उनकी पसंद अपनी, नजर उनकी नजर अपनी, नजर उनकी नबी की। जिसे आदमी मोहब्बत करता है ना उसी के नजरियात को अपना लेता है, उसी की सोचो फिक्र की तरह सोचता हुआ नजर आता है। शायर ने कहा नजर उनकी नजर अपनी, महबूब की जो नजर है वही मेरी भी, नजर उनकी नजर अपनी, पसंद उनकी पसंद अपनी, नजर अपनी पसंद अपनी नहीं होती मोहब्बत में। आप ये कहो मैं उनसे मोहब्बत भी करता हूं मेरे महबूब हैं वो, लेकिन महबूब की अदाओं पर कुर्बान न जाओ तो कैसे आशिक हो, कैसे महबूब हो, कैसे चाहने वाले हो। आओ अगर वकीनन तुम्हें नबी से मोहब्बत का दावा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नौजवानों आज़म करके उठो। अभी तक हम अगर इस जहालत में थे कि हमने बीड़ी और सिगरेट को मकरूह समझ करके अपना लिया था, हमने तंबाकू और खैनियों को अपना लिया था, हमने नहीं समझा था कि ये खबीस है, तो आओ अगर अभी समझ में आ गई है ये बात तो नबी से अगर हम उसके मोहब्बत करने वाले उसके चाहने वाले हैं तो आओ नबी से मोहब्बत करें और मोहब्बत में इस चीज़ को छोड़ दें। और यही पैगाम अल्लाह ने दिया है, अगर अल्लाह से भी तुम्हें मोहब्बत है तो नबी से मोहब्बत करो, नबी की पैरवी करो। قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, ए नबी कह दो ए इंसानों अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो तुम मेरी पैरवी करो। नबी कह दो कि तुम मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची मोहब्बत तभी हो सकती है जब हम नबी से नबी की पैरवी करें, नबी की बात माने, नबी के हुक्मों की तामील करें और नबी की सुन्नतों को हिर्ज़े जान बना लें।
लेकिन अगर हमने नबी की सुन्नतों से अपने आप को दूर कर लिया तो मेरे भाइयों ये दावा लफ्जी होगा, ये लफ्जी जमा खर्च होगा कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की कसम ये अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। लेकिन मेरे कितने भाई हैं, मुझे माफ़ फरमाइएगा, वो कहते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन उनकी जिंदगियाँ देखिए, मामलात देखिए, निकाह और शादी ब्याह के अंदर चले जाइए तो अल्लाह की कसम इस्लाम का जनाजा उठता हुआ नजर आता है। उनके यहाँ जो फजूल खर्चियां हो रही हैं, जिस धड़ल्ले से वो कर रहे हैं, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों कितनी सुन्नतें हैं जो पामाल हो रही हैं, इसके बावजूद हम दावेदार हैं कि नबी से मोहब्बत करते हैं। नबी की सुन्नत है कि अपने पाइचों को ऊपर रखा जाए, टखनों से ऊपर पहना जाए अपने पायजामे, अपने पतलून, अपनी लुंगियां, अपने तहबंद, अपने जुब्बे, लेकिन इस सुन्नत को किस कदर पामाल करते हुए मेरे भाइयों हम और आप अपने पैंट को नीचे घसटता हुआ चलते हैं। नबी की सुन्नत है कि हमारे चेहरों पर ये शगुफ्तगी हो, ये दाढ़ी हो, नबी ने रखा है, नबी के सहाबा ने रखा है, लेकिन कितने भाई हैं मेरे भाइयों अभी उनको तौफीक नहीं हुई। इस तरह नबी की कितनी सुन्नतें हैं आप देख लो, हम और आप उनका पासो लिहाज नहीं कर रहे। बड़े अदब से मैं आपसे कहूँगा, बातें जो हक होती हैं कभी कभी कड़वी भी होती हैं, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह के लिए आप समझो, ये पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है जो आपको दिया जा रहा है, हवालों के अंदाज में दिया जा रहा है। एक आखिरी बात, नबी के सहाबा किस कदर नबी से मोहब्बत करते थे, कभी उन्होंने नबी का हुक्म सुना हो चूं चरा नहीं। हम और आप तो थोड़ा वक्त भी लेते हैं, जरा किसी और से पूछ लूंगा, फलां से पूछ लूंगा, इनसे पूछ लूंगा और तब इस हदीस पे अमल करूंगा, नहीं। जरा देखो, आपने किबला की तब्दीली का वाकया सुना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल मुकद्दस को एक वक्त तक मस्जिद अक्सा को किबला बना के रखा, तकरीबन 16 या 17 महीने की बात आती है, मुहद्दिसीन ने जिक्र किया है जी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ आपके सर उठ रहे हैं, सूरह बकरा वगैरह में इसका तस्करा है, कद नरा तकल्लुबा वजही का अल्लाह ने तफसील के साथ जिक्र किया है। अल्लाह के रसूल बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं, ऐ काश ये किबला बदल जाता, मक्का हो जाता, खाने काबा हो जाता, अल्लाह ने बदल दिया। इत्तेफाक से जब तब्दीली हुई बैतुल मुकद्दस से खाने काबा की तरफ जब मुंह करने के लिए कहा गया तो यह कुछ असर का वक्त था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज मस्जिद नबवी में आपने जो पढ़ाई वो खाने काबा की तरफ पढ़ाई। अच्छा, वहां से पढ़ने के बाद चूंकि लाउड स्पीकर नहीं था, ये टीवी टेलीविजन नहीं थे कि ये खबरें नशर हो जाती और ये सारे वसाइल और जराए नहीं थे, क्या था, मुनादी आवाज करते थे। इसलिए जो सहाबे किराम उस मस्जिद से निकले उन्होंने अपने अपने इलाके कबीले महल्ले में जाते हुए ऐलान करते हुए गुजरे, लोगों सुनो किबला तब्दील हो गया है। हुआ ये कि वहां से निकलकर एक सहाबी आए, किबलतैन एक जगह इसी नाम से मौसूम है, उस तरफ से गुजरे जहां पर एक मस्जिद बनी हुई है, उसको मस्जिद किबलतैन कहते हैं, दो किबलों वाली मस्जिद, मदीना यूनिवर्सिटी से बहुत करीब का एरिया है ये। जब आए वो सहाबी वहां पहुंचे तो देखा इस मस्जिद में लोग अब भी मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू में है और किस तरफ है इनका मुंह, मस्जिद अक्सा की तरफ, बैतुल मुकद्दस फलस्तीन की तरफ। अच्छा, लोगों किबला तब्दील हो गया है, मस्जिद अक्सा से खाने काबा की तरफ अल्लाह के रसूल ने असर की नमाज पढ़ी है, लोगों किबला चेंज हो गया है, तब्दील हो गया है, नमाज में है वो लोग, नमाज में है, क्या हुआ, रुकू में किबला तब्दील, इंतजार नहीं किया कि नमाज खत्म हो जाएगी हम उसके बाद जांच पड़ताल कर लेंगे, पूछ गछ हो जाएगी, इसलिए कि सहाबा का ईमान और यकीन था हमारा कोई भाई दीन के बारे में ऐसा बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकता। सहाबे किराम ने जरा मोहब्बत देखिए, आपके मुनादी की आवाज कानों से टकराई, किबला बदल गया, बदल जाओ, तब्दील कर लो, फिर गए। एक नमाज दो किबला, कुछ रकातें बैतुल मुकद्दस फलस्तीन की तरफ मस्जिद अक्सा की तरफ करके, और उसके बाद जब मुनादी ने आवाज लगा दी, सहाबी ने बता दिया मैं पढ़ करके चला हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज खाने काबा की तरफ पढ़ाई है, ये किबला तब्दील हो गया है, सारे लोग नमाज की पोजीशन में थे और सब ने अपने अपने किबले को तब्दील कर लिया, इमाम फिर गए।
खाने काबा की तरफ हो गए। नमाज ही में ये है मेरे भाइयों नबी से मोहब्बत का तकाजा। अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं, आपने जुमा के खुतबे में कहा इजलिसु, बैठ जाओ। कुछ लोग मस्जिद में आ गए थे, खड़े थे, बैठ गए। कुछ सहाबा दाखिल हो रहे थे, आगे पीछे आ रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु अभी मस्जिद के गेट पर पहुंचे थे और ये आवाज कान में आ गई, इजलिसु, बैठ जाओ। उन्होंने जब ये आवाज सुनी तो इंतजार किया नहीं, उसी मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए। अल्लाह के रसूल का हुक्म आ गया ना, अभी यही बैठ जाऊंगा, हुक्म आ गया है बैठ जाओ। उन्होंने नहीं कहा कि जरा जाऊंगा, सफों में घुसूंगा, दाएं बाएं देखूंगा और वहां जाकर के बैठूंगा, नहीं, इजलिसु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया अब्दुल्लाह बिन मसूद वहां दरवाजे पर, कहा अल्लाह के रसूल मैंने आवाज सुनी, इजलिसु, बैठ जाओ। तुम्हें बैठ गया, मैं बैठ गया। जैसे ये लफ्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकला मैंने उसकी तामील कर दी, मैं बैठ गया। हालांकि मैं मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा था। नहीं नहीं अब्दुल्लाह बिन मसूद आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये है नबी से मोहब्बत, नबी के हुक्म की तामील, नबी की सुन्नतों को मानकर चलना, यह है असल दलील, जो हुब्बे रसूल की दलील हम दे सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों आओ हम अज़्म करें, अगर हम नबी से मोहब्बत कर रहे हैं और यकीनन कर रहे हैं, इसमें कोई शुबह की गुंजाइश है ही नहीं, तो आज से हम नबी की सुन्नतों से, नबी के अहकाम से, नबी के अवामिर से, नबी के कामों से भी मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाला बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।